So, are two? Smoke here. In this video, I'm gonna give my 5 best decks for the upcoming royal tournament. So, uh, my number 1 deck is Bridge Spam. You can also play the uh, Elite Barbarians or with, uh, with, with the Fireball or without Fireball, that's up to you. Uh, the second deck, pe, if you look at the second deck, uh, you can also use the Earthquake to the Lightning or लाइटनिंग जो आपको अच्छा लगता है आई थिंक अर्थ क्वेक या जो भी मतलब मेरे को पता नहीं आई वुड गो वि लाइटनिंग क्योंकि बहुत ही आर्चर क्वीन टैक्स है अभी जो मैडम है ये जो बहुत ही सॉलिड एयर टैक एंड एंड दैक्सट वन वी हैव द इलेक्ट्रोजैंट गोल्डन नाइट टैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ए ग्ड इफ यू प्ले दोल्डन नाइट बिहाइंड एलेक्ट्रोजैंट एंड इफ यू यूज हिस एबिलिटी ही कैन पुश्तीलेक्ट्रोजैंड एंडक्ट्रोजैंड विलेट टू दावर एंड आपको पता है मैं मेरे को कुछ बोलने का कुछ भी जरूरत नहीं एंड ऑल दिंक्स विल बी इन दी डिस्क्रिप्शन मेक्स यू कॉपी फ्रॉम देर एंड वाला ये जो पैकअप वाला बढ़िया डेक है uh, जैसे कि आपको पता है मैं ट्वेंटी uh, इंस्टॉल में भी बहुत ही ट्रेंडिंग था यह डेक एंड मदर विच को रिस मिला मेरे को पता नहीं क्या कार्ड्स इधर यूज़ कर सकते हैं मे बी यू कैन ऑल्सो यूज दी दार्ड गॉबलिन बिकॉज डार्ड गॉबलिन जस्ट अफ बट आई स्टिल यूज मदर दिच एंड द लास्ट वन थ्री मस्कटे रॉयल हॉक्स ये भी डेक बहुत ही सॉलिड हैोल्डन नाइट गोल्डन नाइट टेन ट्रोप्स को एट अ टाइम डैश कर सकता है इफ़ यू यूज दिस एबिलिटी at the right time you'll be able to win the match so these are my five best decks for the upcoming royal tournament uh, make sure to copy it from the description and uh, don't forget to subscribe to this channel and i will see you guys in the next video till then take you guys start.